चाची की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने सूखे भुने हुए। सबसे पहले मैंने इन चनों को आधा किलो मैंने चने लिए थे, इनको मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर उबाल थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया है। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये मेरे उबले हुए काले चने हैं। काले चनों का इस्तेमाल प्रसाद वगैरह में बहुत यूज होता है, ये हलवे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और जब नवरात्रों में कन्याओं को जो भोजन किया जाता है उसमें भी इसका भोग लगता है। ये काले चने कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। काले चनों के लिए जो मैंने सामग्री ली है वो लिया है 1 चम्मच तो मैंने लिया है बेसन, ये देखिए 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक पीसों में काट लिया है और थोड़ा सा मैंने चना मसाला भी लिया है। चुटकी भर हींग है और 1/2 चम्मच काला नमक है। साथ में मैंने कुछ मिर्चे बारीक बारीक चॉप कर लिए है, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया है और साथ में ये जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं वो सब भी है। धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और नमक हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डाला हुआ है इसलिए हम काला नमक डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ करूँगी, जीरा यूज़ करूँगी और अमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें घी ले लेती हूँ, ये 2 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया है। इतने मेरा दोस्तों घी गर्म होगा तो मैं मसाले इकट्ठे ही तैयार कर लेती हूँ, एक साथ ले लेती हूँ और एक साथ मैं मसाले छोड़ती हूँ। मैंने हींग छोड़ दिया है चुटकी भर, 1 चम्मच जीरा छोड़ दिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डालूंगी। अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद जो मेरा इतने अदरक हरी मिर्च भुनेंगे तो मैं सारे मसाले इकट्ठे ही भूनूंगी। ये देखें अदरक डाल दिया मैंने, हरी मिर्च का यूज कर लिया और हरी मिर्च जितने भुनेंगी इतने मैंने सारे मसाले जितने जितने मैंने आपको बताया था, मेरा 1 बड़ा चम्मच बेसन था, 1/2 चम्मच काला नमक था, 1 चम्मच मेरा चना मसाला था और उसके अंदर मैंने अपने जो मसाले यूज़ करे हैं धनिया मैंने ले लिया है 2 चम्मच, ये मैं छोटी चम्मच जो यूज़ करती हूँ वो लिए हैं और थोड़ी सी मैंने ले ली है लाल मिर्च, पूरी 1 चम्मच है, चटपटे अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच मैंने यूज़ किया है अमचूर पाउडर, हल्का सा खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इन चीज़ों में छोले हो, राजमा हो या चने हो, इनमें गर्म मसाले का फ्लेवर अलग ही अच्छा वो लगता है। और मैं इसमें से हल्दी वल्दी कुछ नहीं यूज़ करूँगी, नमक मेरा ऑलरेडी है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्के से क्योंकि इसमें बेसन डाला थोड़ा थोड़ा सा भूनूंगी मसाले। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा बेसन भुन जाए, बेसन भुनने के बाद मैं इसमें काले चने डालूंगी क्योंकि ये चीजें थोड़ी मसालेदार चटपटी अच्छी लगती हैं और भुनी भुनी अच्छी लगती है, तो मसाले हमारे कच्चे नहीं रहने चाहिए, बेसन अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। हल्का सा अगर हमें थोड़ी सी चिकनाई कम लग रही है मसाले भुनने में तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, देसी घी का यूज कर रहे हैं इतना ऐसा कोई नुकसान नहीं देगा, ये चीजें रोज रोज से खाई दी जाती है। ये देखिए ये भुनने लगा है अच्छे से क्योंकि हमारी हल्की सी चिकनाई कम थी, अब ये बहुत अच्छे से भुनने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी चने, अलग कर लिया था और अगर आपको थोड़ा सा निपटवा से चने चाहिए क्योंकि बेसन भी डाल दें तो निपटवा बनेंगे। आप कुछ लोगों को ड्राई भी पसंद होते हैं क्योंकि जो प्रसाद में जाते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, वो वैसे निपटवा नहीं होते हैं, तो इसलिए पहले मैं इसको इस तरीके से भून लेती हूँ और जिसको अगर पसंद हो तो हल्का सा पानी डाल के इसको निपटवा भी कर देते हैं। हम पानी इसका वेस्ट भी करते हैं, जो इसका पानी बचता है या तो उसको पी लेते हैं नहीं क्योंकि उसमें नमक मिला होता है, नहीं तो आटे में मिक्स कर देते हैं।
नमक का और जो मिर्च का आपका जो रेशो होता है वो आप लोग अपने स्वाद के अनुसार भी घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग तेज खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं हल्का तो वो रेशो कम भी रख सकते हैं। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ये देखिए हमारे भुनके रोटी तैयार हैं और हम लोग जो हैं जिनको हल्का सा बटुआ पसंद है, ड्राई अच्छे लगते हैं तो थोड़े से हम ड्राई भी अलग निकाल लेते हैं और जिसको बटुआ पसंद है तो थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। ये जो ड्राई ड्राई से होते हैं ये जो चने होते हैं हलवे के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और निपटवा वाले चनों को हम पराठों के साथ या पूरी के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। मैंने इस पर हरा धनिया डाल के इसकी ब्यूटी को और बढ़ा दिया, गार्निश कर दिया और हल्का सा आपको अगर गाढ़ा रखना है तो कुछ पानी लेकिन देख के डालते हैं, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो चिपके चिपके से भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसके अंदर बेसन गया हुआ है तो ये अपने आप गाढ़े हो जाएंगे, ये पटुआ से हो जाएंगे। तो इस टाइप के छोले तो खाने के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और जो मैंने ड्राई अलग किए हैं वो नाश्ते में खाली बहुत अच्छे लगते हैं, दूध दूध के साथ जो ले लेते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की झटपट टेस्टी बनने वाली रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।